नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान को हर रोज एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। मलेशिया में पीआईए का विमान जब्त होने की बेइज्जती अभी कम भी नहीं हुई थी कि अब अमेरिका और पेरिस में पीआईए के होटल भी अटैच कर लिए गए हैं। यानी मदीने की रियासत में कंगाली की खेती उगा रहे इमरान के तैमन टोपी सब गीले हो गए हैं। ऊपर से इस परमाणु संबंध तैमन छाप देश के अंतर्राष्ट्रीय दुर्गति से टोपीबाजों की गर्दन शर्मिंदगी से झुक रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल और पेरिस में स्क्राइब होटल अटैच किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों के चलते पाकिस्तान इन होटलों को बेच भी नहीं सकता है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने पाक उच्चायोग के खाते से 2,87,00,000 डॉलर रकम ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मजे की बात यह है कि पाक उच्चायोग के खाते में 2,00,000 डॉलर भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय थूथू होने के साथ साथ उसकी हैसियत पर भी सूसू होना शुरू हो चुकी है। दरअसल यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से कर्ज न चुकाने जाने के बाद की गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने दूतावासों को विदेशी बैंक खातों में न्यूनतम फंड रखने के आदेश दिए हैं। पर दिक्कत यह है कि खुद पाकिस्तान के भीतर ही पाई पाई के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पाक उच्चायोग यह फंड भीख मांगकर जुटाए या फिर उच्चायोग में हल्दी धनिया बेचकर यह फंड इकट्ठा करे, क्योंकि फंड की व्यवस्था करना पाक सरकार की जिम्मेदारी है न कि उच्चायोग का काम है। इससे पहले मलेशिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बोइंग 77 प्लेन को जब्त कर लिया गया था। इस प्लेन में 172 पैसेंजर सवार थे। पाकिस्तान के दूसरे लीज पर लिए गए विमान को भी सीज करने के आदेश जारी हो चुके हैं। पीआईए के विमानों और होटलों पर हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इमरान खान लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी से पाक सरकार पूरी तरह सदमे में आ गई है। बताया जा रहा है कि उक्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने विदेशों में अपनी संपत्ति बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से कहा गया है कि एयरलाइन प्रबंधन मलेशिया की अदालत में पीआईए एयरक्राफ्ट को रिलीज कराने के लिए तत्काल सुनवाई के लिए कदम उठा रहा है। साथ ही रूजवेल्ट और स्क्राइब होटल को मुक्त कराने के लिए फंड की व्यवस्था भी की जा रही है। आपको बता दें कि रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में स्थित है। 1015 कमरों की संख्या वाले इस होटल का मालिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। 1979 में इस होटल को पीआईए ने पट्टे पर लिया था, जिसमें 20 साल बाद इमारत खरीदने का विकल्प था। खास बात यह है कि सऊदी अरब के राजकुमार फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भी इस सौदे के निवेशकों में शामिल थे। 1999 में पीआईए ने यह होटल 36.5 मिलियन डॉलर में खरीद लिया था। पेरिस में स्थित स्क्राइब होटल भी सऊदी राजकुमार की बदौलत पीआईए ने साल 2005 में खरीदा था। यह होटल 40 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था, परंतु होटल के बढ़ते खर्चे और व्याप्त मुल्ला भ्रष्टाचार के चलते एयरलाइन ने बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना शुरू कर दिया। हालांकि साल 2006 में पीआईए ने इन होटलों को बेचने की कोशिश की थी, मगर उसमें सफलता नहीं मिल पाई। होटल के तहत पीआईए ने विभिन्न विदेशी बैंकों से जो कर्ज उठाया था, उसका ब्याज आकाश बेल की तरह बढ़ता चला गया। जुलाई 2020 में यह खबर खूब चली कि डोनाल्ड ट्रंप पीआईए के होटल खरीदने में रुचि रख रहे हैं, परंतु निजीकरण को लेकर बनी पाकिस्तान की कैबिनेट कमेटी ने होटल को बेचने या निजीकरण करने की बजाय एक संयुक्त माध्यम से चलाने का फैसला किया था। लेकिन पूरी तरह कर्जे में डूब चुके पीआईए के दोनों ही होटल अक्टूबर 2020 आते आते बिस्मिल्लाह बोल गए। कोविड-19 महामारी से बंदी और मंदी के चलते वित्तीय घाटे के कारण होटल स्थायी रूप से बंद कर दिए गए, परंतु पाकिस्तान की मुश्किलें ही खत्म नहीं हुई। कंगाली में कलाबाजी करते पाकिस्तान के तैमन फटने का यह नया युग है, जिसकी पीठ पर इमरान लोंडा ने पाकिस्तान का झंडा लेकर सवार है। पिछले साल इमरान ने पाकिस्तान की बंजर पड़ी जमीनों को बेचने की योजना शुरू की थी, जिसके तहत पाक के खजाने में 15 अरब डॉलर आने की उम्मीद थी, मगर इमरान की इस योजना को भी पूरी तरह पलीता लग गया। वजह यही थी कि पाकिस्तान की जमीनें खरीदने का अधिकार प्रवासी और स्थानीय पाक नागरिकों को दिया गया है। अब विदेशों में भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों के लिए 1,000 डॉलर जुटाना भी बड़ी बात है, इसलिए ज्यादा कुछ इमरान के हाथ पर लेने ही लग पाया। पर मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक पटल पर हो रही बेइज्जती से बचने के लिए फिर से एक बड़ी रकम की व्यवस्था करना है। बताया जाता है कि इमरान खान एक बार पुनः जिनपिंग की शरण में जाने वाले हैं। इसके लिए पाकिस्तान अपनी एयरलाइन और उससे जुड़ी संपत्तियों में चीन का निवेश कराकर उन्हें बचाने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन से उसे इसके लिए 1 अरब डॉलर हासिल हो सकते हैं, जिसके बल पर वह पीआईए और उससे जुड़ी संपत्ति को बचाने में सफल हो सकता है। तो पाकिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञ इमरान खान की इस स्कीम को देश के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। उनका तर्क है कि चीन पीआईए और उससे जुड़ी संपत्तियों में भारी निवेश करके प्रोक्स तौर पर उन पर अपना कब्जा कर लेगा। वर्तमान हालात में यह पाकिस्तान को अच्छा लग सकता है, लेकिन भविष्य में यह पाकिस्तान के लिए ज्यादा घातक हो सकता है। यह विशेषज्ञ अपने तर्क को सही साबित करने के लिए लाहौर मेट्रो रेल लाइन का उदाहरण देते हैं। आपको बता दें कि लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट में चीन ने 1 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है।
$1.6 बिलियन के इस प्रोजेक्ट में पाक सरकार ने $300 मिलियन दिए हैं, बाकी का पैसा चीन ने लगाया है। आज हालत यह है कि चीन इस मेट्रो प्रोजेक्ट पर अघोषित रूप से अपना कब्जा कर चुका है। पूरी मेट्रो रेल लाइन का कंट्रोल चीन अपने हाथ में ले चुका है। चीन के इंजीनियर और कर्मचारी बड़ी तादाद में मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट में स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस मेट्रो रेल में काम करने वाले पाकिस्तानियों को मामूली वेतन दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ यह लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान चीन के मकर जाल में फंसकर उससे प्रत्यक्ष निवेश या कर्ज हासिल करता है तो उसका हसर भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तरह हो सकता है। यूं भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के इन दो होटलों पर चीन की पहले से नजर गड़ी है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ मामलों के चलते वे इन्हें खरीदने में नाकाम रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के किसी प्रस्ताव पर चीन सीधा निवेश करके इन पर अपना नियंत्रण कर सकता है। पर बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह पाकिस्तान अपने आर्थिक हालात दुरुस्त करने के लिए सारे संसाधन चीन के हवाले कर रहा है, उससे आने वाले वक्त में वह लगभग पंगु देश बन जाएगा। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां न सिर्फ पाकिस्तान से दूर होगी बल्कि FDI पर भी संकट मंडरा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान में पिछले एक साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 16% रह गया है। इस 16% में ज्यादातर हिस्सेदारी चीन की रही है। दक्षिण कोरिया खाड़ी देश और अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान से लगभग किनारा कर चुकी है। मजे की बात यह है कि इमरान के सत्ता में आने के बाद प्रवासी पाकिस्तान भी देश में निवेश करने काट रहे हैं। मलेशिया में जब्त विमान और दो होटल अटैच होने के बाद अपनी बेइज्जती बचाने के लिए पाकिस्तान अब नई गाथा गा रहा है। उसका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते उसके होटल में ग्राहक नहीं आने से उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इसी कारण से वह वक्त पर विमान की किस्तें नहीं दे पाया। परंतु हकीकत यही है कि खुद को परमाणु संपन्न कहने वाले मुल्क की झोली में अगर कुछ करोड़ डॉलर के लाले पड़े हैं तो उसकी हालत अंतर्राष्ट्रीय जगत की समझ में आ रही है। नया पाकिस्तान का नारा देने वाले इमरान खान ने इस मदरसा मुल्क में जो तैमंद उड़ाऊ प्रतियोगिता आयोजित की है उससे मस्जिद के मुल्ला से लेकर हीरा मंडी का दल्ला तक बेसुरी बांग दे रहा है। यह बांग बेसुरी करने में लोंडी की नीतियां हद से ज्यादा जिम्मेवार रही है। इन नीतियों की वजह से मदीने की रियासत में महंगाई 21% के करीब जा पहुंची है, जबकि गरीबी 2018 के मुकाबले 3% ज्यादा हुई है। ऐसे में होटल विमान तो छोड़िए, इनके तहमत भी जब्त होने वाले हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।